गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह का 9:30 बज चुका है और मेरी बेटी काफ़ी मन लगा के नहीं पढ़ रही है। ठीक है, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है। वो मतलब चेयर पे बैठे रहती है, सब कुछ करती है, बट टीचर की तरफ देखती ही नहीं। तो अभी चलिए देख के आते हैं इसका क्या कंडीशन है। पानी चकड़ो बसो, पानी चकड़ो बसो। टीचर पढ़ाच्छे ना? टीचर बोलते माइसेल्फ बोलते। यू हैव टू टेल योरसेल्फ अबाउट योरसेल्फ। हेलो माय नेम इज शांति बोलो। हां अच्छा मूड बोल, तू भी आगे बोलो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल मन लगा के नहीं पढ़ रही है। पहले पहले क्या होता था, जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ था तो बहुत अच्छा लगता था उसको कि नया कुछ सीखने को मिल रहा है और नया नया ये क्या है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन क्लास चल रहा है इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, जहाँ पर उसको फर्स्ट स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था। स्कूल क्या होता है, टीचर क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। सो इस कंडीशन में अभी उसका ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आने लगा कि कोई टीचर है जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है मोबाइल पे। अभी क्या है, जस्ट ऑपोजिट हो गया कि एक टीचर है वो ऑनलाइन आती है, रोज़ बकबक करती है और चली जाती है, उस पर इतना ध्यान क्यों देना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बच्चों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको अगर ये लगता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या फिर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, इसमें बच्चों का कोई गलती नहीं है। आप लोग उनको डांटो मत, बोलो मत कुछ, क्योंकि बच्चे वैसे ही होते हैं। बच्चे एक जगह कंसंट्रेशन करके बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो जैसे जितना भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, उनको उतना पे छोड़ दें। ठीक है, आप ज़बरदस्ती मत करें उनके साथ, क्योंकि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उनका वो भी इंटरेस्ट, जो भी मतलब आधा घंटा अगर बैठती है वो भी इंटरेस्ट वो भी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखें कि वो कुछ अगर पूरे पूरे एक घंटे के क्लास में अगर वो 10 मिनट का भी पढ़ाई सीखती है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। क्योंकि अब स्कूल है नहीं, बच्चे हैं नहीं, प्लेग्राउंड है नहीं, स्कूल का मतलब वो जो भी एक्सेसरीज होता है, जो झूला वूला वो है नहीं। ठीक है, तो घर पर बैठ के बच्चे का वो आप 100% अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो वो मुझे तो नहीं लगता है कि वो आपका 100% एक्सपेक्टेशन पूरा होगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी होता है कि ठीक है जितना भी होगा जैसे भी होगा, बट हाँ घर में टीचर के पढ़ाने के बाद पेरेंट्स का पढ़ाना भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी टीचर के साथ वैसा टच तो है नहीं। ठीक है, और टीचर जो भी पढ़ाता है, आप लोग अगर घर में थोड़ा सा भी उसको फॉलोअप कर लेते हैं सारे दिन में, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और बाकी तो बस जैसा ऐसा चल रहा है और ऐसा जब तक चलेगा हम लोग को वैसा ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हम लोग के पास। सो टू थिंग, पहला कि बच्चे को प्रेशर मत दें, वो जितने भी ऑनलाइन क्लासेस में जो भी कुछ सीख रहे हैं सीखने दें, जितना उनसे हो पा रहा है उतना होने दें। दूसरा, घर में अगर हो सके टीचर ने जो भी कुछ पढ़ाया उसका फॉलोअप, उसका रिवीजन ज़रूर करा दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चा अपने में कुछ भी रहेगा और अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको सिखा देंगे तो वो सीख भी जाएगा। ठीक है, सो ये थी छोटी सी ज्ञान की बातें जो मैं फॉलो करता हूँ, और मैं ये बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ कि बच्चों को मारपीट के कोई काम आप कभी कोई काम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो बड़ों को आप अगर मारोगे तो सोचोगे कि हाँ मैं उसको मारूंगा धमकाऊंगा तो वो मेरा काम कर देगा, तो वो ठीक है कुछ हद तक, बट बच्चों को अगर आप ये सोचते हो कि मैं उसको मार के पीट के धमका के काम करवा लूँगी तो गलत सोच है, ये बिल्कुल गलत सोच है, कभी नहीं हो सकता। आप उसको डांटोगे, आप उसके साथ जिद करोगे, उसका जिद आपसे 200 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 200 गुना ज़्यादा है, और मतलब आप बूढ़े हो रहे हो वो जवान हो रहा है, ये याद रखना बस। सो अभी का कोई प्लान नहीं फ्रेंड्स, अभी तो मॉर्निंग है, थोड़ा काम है, काम करूँगा और फिर आज कहीं बाहर नहीं जाना है। बाहर नहीं, सब कुछ मैंने खरीद वरीद लिया, घर में सब कुछ है, प्रॉब्लम नहीं है। जो आज घर पे रहना है और
संडे को मैं थोड़ा चिकन लेके आया था, तो चिकन थोड़े बड़े बड़े पीस में रखा था बिरयानी के लिए। तो आई डोंट नो, आज अगर बिरयानी बने तो मैं आपको वीडियो पे ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि संडे को हमारा वाइफ का कमिटमेंट था कि वेडनेसडे को बिरयानी बनेगा। तुम बोला ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे को क्या होता है कि हम लोग वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते नहीं। ठीक है, सो कल ट्यूसडे था, आज फिर वेडनेसडे है, तो देखता हूँ आज का मूड कैसा है। क्योंकि सच में यार, मतलब बेटी के पीछे एनर्जी तो गजब जाता है, ये तो बस सही है। और सिंगल हैंडेडली सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरी बीबी, मेरी वाइफ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरी वाइफ ही सब कुछ हैंडल करती है। और कभी कभी वो भी थक जाती है उसको लेके, क्योंकि बच्चे ये जो एज होता है ना, थ्री टू फाइव ईयर्स या सिक्स ईयर्स, इस एज में ना बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, हर एक चीज़ को लेके काफ़ी चिल्लाते हैं, ज़िद करते हैं। तो कभी कभी हम लोग का भी मतलब ये होता है बस्ट आउट हो जाना, ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं ना कि जितना भी कम हो सके रिप्लाई करना, ठीक है। अगर वो कुछ ज़िद कर रही है, अगर रो रही है, सो थोड़ा रिप्लाई कम करो। मतलब वो बोलते हैं ना इग्नोरेंस, थोड़ा इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको लगेगा कि हाँ, मेरे रोने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बच्चे का साइकोलॉजी कहाँ रन करता है कि अगर बच्चा रो रहा है तो रोने दो, ठीक है, रोने दो। कोई भी बच्चा 25 मिनट से ज़्यादा रो नहीं सकता, उसके फेफड़े में कितना दम है वो 25 मिनट में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर रो रहा है 25 मिनट तक कंटिन्यू आ रहा है, अगर उसको आप उसके पास नहीं जा रहे हो तो वो यूज़ टू होगा। और अगर कोई बच्चा रो रहा है और अगर आप उसको जाके गोद में उठा रहे हो और उसको समझा रहे हो, तो वो फिर उसके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर अगर आप सारा ज़िंदगी भर कर सकते हो तो जाओ प्यार करो, गोद में उठाओ। और अगर आपको लगता है कि नहीं उसको स्ट्रांग बनना है, तो उसको रोने दो, ठीक है। 20 से 25 मिनट तक बच्चे रोएंगे, उसके बाद खुद ब खुद शांत हो जाएंगे और बस एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं फॉलो करते हैं। अब घर में रह के तो थोड़ा बहुत ऐसा होता ही है, हमेशा तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा चले, तो ख़राब चलता भी है दोस्त। सो यही है आज का, और उसके बाद फिर देखते हैं, अभी काम करना है। और हाँ, मैं जो बोल रहा था कि अगर आज चिकन बिरयानी बना तो मैं आपको आफ्टरनून में ज़रूर शेयर करूँगा, और अगर नहीं बना, नॉर्मल चिकन और राइस बना, तो बस चुपचाप खा लूँगा, क्योंकि अब उसमें क्या दिखाना आपको। यही सब चीज़ें हैं। आज का वेदर तो धूप है दोस्त, फिर से बहुत कड़क धूप हो गया बाहर में। और क्योंकि हैदराबाद में जब भी धूप होता है ना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट होता है यहाँ पे, आप बाहर जा नहीं सकते। बाहर जाएंगे तो आपको पूरा हाथ पाथ ना एकदम पूरा जल जाएगा। कलकत्ता में क्या है कि कलकत्ता में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, कि आप मतलब अगर आप घर में हो या बाहर में हो क्या फ़र्क पड़ता है, आपका पसीना तो निकलेगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी एकदम ही नहीं है, यहाँ पे पसीना होता ही नहीं है। आप अगर घर में हो, छाँव में हो, तो आप सेफ़ हो, मतलब उतना गर्मी आपको लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप रोड पे जा रहे हो इन डायरेक्ट सनलाइट, तो वो पूरा अपना स्किन बर्न कर देगा, ठीक है। एकदम सिंपल एग्जांपल है, आप कलकत्ता में किसी पेड़ के नीचे खड़े रहो फिर भी आपको गर्मी लगेगा, लेकिन यहाँ पे हैदराबाद में कितना भी धूप हो, अगर आप कोई पेड़ के नीचे खड़े हो तो आपको ठंडा लगेगा, मतलब ठंडा नहीं, मतलब गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे हैदराबाद में। ओवरऑल हैदराबाद का वेदर ठीक ही है, थोड़ा गर्मी तो बस होना भी चाहिए, हर चीज़ को लेके ही चलना है। ये आज थोड़ा धूप निकला है, बाकी देखते हैं आगे का दिन कैसा चलता है फ्रेंड्स। और फिर बने रहिए मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में, और फिर आपसे करेंगे कुछ बातें। और बस यही कहना है कि बच्चों के साथ ज़्यादा फोर्स या लड़ाई झगड़ा ना करें, और बच्चे जो होते हैं वो आप जैसा देंगे उनको वो वैसा ही सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज का बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं, आप उन लोगों के साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि ये करके आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ दुनिया में बदल दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। मुझे पता है सब का अपना अपना तरीका होता है। बस ऐसा ही है। और अभी बस दोस्तों थोड़ा सा काम करना है, और काम कर लूँ, और फिर बन रही है मेरे साथ, ताकि मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ बात कर सकूँ। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और बढ़िया खाइए, और बी हैप्पी। बाय बाय।